स्क्रीन वाला देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक। जॉन अब्राहम ने अपनी फिल्म वेदा का ट्रेलर लॉन्च करके लास्ट मोमेंट पर एकदम से वक्त बदला, जज्बात बदला, हालात बदल दिए। वैसे कायदे से ये फिल्म 12 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर सेंसर बोर्ड वालों ने कहा कि भैया हम कागज नहीं दिखाएंगे, सारे मिलके हमको पागल बना रहे। 25 जून को सेंसर बोर्ड में स्क्रीनिंग के लिए गई वेदा को लगभग एक महीने तक CBFC ने क्लियरेंस नहीं दी। मैं भी कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो गया कि भाई साहब ऐसा क्या ही बवाल बना दिया है कि सर्टिफिकेट ही नहीं मिल रहा। लेकिन अब जब सर्टिफिकेट दिया है तो बिना किसी कट के ये फिल्म थिएटर में लगने वाली। डिसीजन लेने में CBFC को लगभग पूरा महीना लग गया। देखा जाए तो इसको एक क्राइम एक्शन थ्रिलर बोलकर बेचा जा रहा है, लेकिन पता है असली क्रिमिनल कौन है? वो जिसने ये ट्रेलर काटा है। अब इसके ट्रेलर में झांकने पर ये हमको एक सिंपल सी कहानी बता रही है। एक एक्स आर्मी ऑफिसर अभिमन्यु कंवर, यानी कि जॉन अब्राहम है, जिनका कोर्ट मार्शल किया जा चुका है। एक लड़की है वेदा, जिसको कुछ लड़के लगातार छेड़ते रहते हैं, इसी को वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसी बीच तमन्ना भाटिया के भी कुछ शॉर्ट्स हम देखते हैं, अभिषेक बैनर्जी भी इसमें नजर आए हैं, जिनके थ्रू ट्रेलर कास्ट सिस्टम पर भी एक कॉमेंट्री करता है। फिर इसके बाद कुछ एक्शन सीन्स हैं, 2 लीटर खून गिरा है, म्यूजिक बजता है, और फिर से ट्रेलर महाभारत के ही अर्जुन और कृष्ण के मेटाफर पर एंड हो जाता है। अब देखो भाई साहब, ऑनेस्टली ये ट्रेलर मेरे को ठीक ठाक सा ही लगा। ऐसा कुछ इसमें नहीं था जो हमने पहले ना देखा हो। ऐसी थीम्स पर तमाम फिल्में हमने पहले देख रखी हैं। इसमें कुछ ऐसा वाव फैक्टर भी नहीं था जिसे देखकर लगे कि यार ये कमाल की चीज है, इसे देखने में थिएटर जाऊंगा। अब वैसे तो हमने फिल्म देखी नहीं तो क्या ही इसको जज करना, लेकिन मुझे इसका ट्रेलर ये बात सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर क्यों जॉन अब्राहम ने इसे स्त्री 2 जैसी फिल्म के सामने क्लैश कराने की सोची। वो खुद इसके प्रोड्यूसर भी हैं। सिर्फ स्त्री नहीं बल्कि इसका कॉम्पिटिशन तो खुद अक्षय कुमार की फिल्म खेल खेल में भी बनने वाली है। स्क्रीन्स का पता नहीं, लेकिन कंटेंट में भी फिल्म स्त्री 2 और खेल खेल में के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम नजर तो आ रही है। हाँ, अब इस फिल्म में ही कुछ ऐसा छिपा रखा हो जिसे देखने के बाद हमारी ये हालत हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। कैसी हालत? हेलो, ऐसी भैया मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं भैया। एक और चीज जो मुझे लगी वो ये कि वेदा और स्त्री 2 दोनों ही वुमेन एम्पावरमेंट के सब्जेक्ट को डील करती है, लेकिन एक दूसरे से एकदम अलग। स्त्री 2 में भी हम फिल्म के प्लॉट से अवेयर हैं, लेकिन उसका ट्रेलर जिस तरीके से काटा गया है वो एक एक्साइटमेंट क्रिएट करता है जो ये ट्रेलर तो नहीं कर पाया। अगर आम ऑडियंस इसी सब्जेक्ट पर बनी किसी फिल्म को देखने जाएगा तो क्या लगता है दोनों में से किसे चूज करेगा? ये आप कमेंट करके हमें जरूर बताना। बाकी ट्रेलर मुझे थोड़ा अंडरवेलमिंग सा भी लगा। अभिषेक बैनर्जी और जॉन अब्राहम इसमें बढ़िया नजर आए, शर्वरी के भी जितने सीन्स हैं वो बढ़िया हैं, लेकिन एज अ पैकेज इस ट्रेलर को जो करना था वो शायद उतना नहीं कर पाई। बाकी आपको ये कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना अगर अब तक नहीं किया है तो। थैंक यू उसके लिए एडवांस में। बाकी राज एंड डीके की सिटाडेल की टीजर का भी हम लोग उस पर भी बातचीत करेंगे। फिलहाल यहां से निकलते हैं स्क्रीन वाला पर, जल्दी आपसे मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, जय हिंद।